नमस्कार, नवभारत टाइम्स के वेब पेज पे आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर, कोलांचल का एक ऐसा शहर जो आग पे बसा हुआ है। और राजनीतिक भी होती है तो आग पे ही होती है। और यही कारण रहा है कि लोगों के विकास से कहीं थोड़ा सा अछूता जो है वह नहीं हो पा रहा विकास जिस तरह का होना चाहिए। एक ऐसा परिवार जो उत्तर प्रदेश के बलिया से 1961 में धनबाद पहुंचते हैं और लगातार इनकी कई पीढ़ियां जो है यहाँ पे झरिया के लोगों की सेवा दे रही है, और ना ही किसी चीज़ की चिंता है, ना ही फल की चिंता है कि क्या होगा भविष्य, यह नहीं मालूम है। लेकिन लोगों की जो पुकार है, वहाँ के लोगों की आवाज़ जो है उसे बुलंद करते आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज मजदूरों की, मसीहा कहे जाने वाले बाबू सूर्यदेव सिंह के परिवार की। और आज हमसे बात करने के लिए उसी परिवार की सदस्या हैं जो इन दिनों खासकर झरिया में जनता की आवाज को लगातार सुन रही हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों मजदूरों की तकदीर बदल डाली। साल 1977 से लेकर 1991 तक लगातार झरिया के विधायक रहने वाले सूर्यदेव सिंह के परिवार का इस क्षेत्र में 5 दशकों से दबदबा अब भी बरकरार है। सिंह मेंशन की पुत्र वधु रागनी सिंह बताती हैं कि मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले सूर्यदेव सिंह का परिवार कई पीढ़ियों से लोगों की सेवा करने में जुटा हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में रागनी सिंह बताती हैं कि उन्हें अपनी मां से जानकारी मिलती है कि साल 1961 में उत्तर प्रदेश के बलिया से उनके पिता खाली हाथ धनबाद पहुंचे थे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि एक कहावत आप सुने ही होंगे कि मुझे नहीं लगता है कि अपने से खुद को अच्छा कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप मेरे परिवार के बारे में जितना कुछ अगर जानना हो तो आप हमारे क्षेत्र में या धनबाद शहर में एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि सिंह मेंशन परिवार क्या है। खास करके सिंह मेंशन में बहुत सारे लोग नाम जोड़ कर रखे हैं, लेकिन मेरे ससुर जी के जो पुत्र हैं वो किस रास्ते पे चलते हैं उनके विषय में आप जान सकते हैं। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं बता सकूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग नाम जोड़े हुए हैं या निजी स्वार्थ के लिए काम भी करते हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं सिर्फ सेवा और भाव के रूप में काम किए हैं। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागनी सिंह का कहना है कि धनबाद पहुँचने के बाद उन्होंने मजदूरों के हक और अधिकार की आवाज उठाई, मजदूर संगठन से जुड़कर झरिया के कोयला मजदूरों की सेवा में जुट गए। कुछ ही सालों में नेतृत्व क्षमता की वजह से उनकी पकड़ पूरे इलाके में मजबूत हो गई। देखिए, हमारे ससुर जी जब आए थे धनबाद में तो सिर्फ एक सिंगल अपना सिर्फ शरीर लेकर आए थे और बहुत कम उम्र में, हमको लगता है कि 15 साल की एज में, जैसे मैं सुनी हूँ अपनी माँ से, तो आए अपनी मेहनत से वो खुद को अपने आप को तैयार किए कोयलांचल में, एक मजदूर बने और मजदूर से सभी मजदूर भाई के बीच में वो प्यार वो स्नेह उनको मिला कि आज यूनियन का एक लीडर बने और अपने ही आज उसी का ना योगदान रहा, उनका मेहनत का योगदान रहा कि आज उन्होंने ही जनता मजदूर संघ का संस्थापक रहे और वही जो उनका मेहनत है कि आज पूरे कोलांचल में हमारी यूनियन बहुत मजबूत है और सभी क्षेत्रों से हम लोग जुड़े हुए हैं। सभी जगह हम लोग मजदूर हित में खास करके हम लोग काम करते हैं क्योंकि हमारे ससुर जी का सबसे पहला मकसद और मतलब कहें तो उनका सबसे दिल अगर जुड़ता था तो सिर्फ गरीब लोगों से, और उनका सपना यही था कि एक एक व्यक्ति को हम मदद करें क्योंकि वो गरीब परिवार से थे, गरीब का पीड़ा समझते थे, गरीब का दुख समझते थे
और अपने बच्चों के अंदर भी वही संस्कार देते थे। आज वही दिन है कि आज भी सिंह मेंसन परिवार पे एक एक व्यक्ति भरोसा रखते हैं और आज भी खाली हाथ नहीं कोई लौटता है। जितना हम लोग से बन पड़ता है हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और धनबाद की जनता जानती है लगातार हम लोगों ने सेवा किया। हमारे ससुर जी बहुत खून पसीना से झरिया को सींचे हैं और इस तरह से सींचे हैं कि आज वहाँ कुछ भी होता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ महसूस होती है और यही देन है कि हम लोग हर सुख दुख में वहाँ खड़े रहते हैं। एक हाँ, वहाँ झरिया की मेन मुद्दा है कि वहाँ विस्थापन वाली मुद्दा है, अग्नि प्रभावित एरिया है। हम लोग ना चाह के भी बहुत दर्द होती है कि लोग वहाँ से जब हटते हैं, क्योंकि वहाँ मजबूरी है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें और सही जगह रहें। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास किए कि वहाँ के लोग अगर वहाँ से हटते हैं तो उनको अच्छे जगह मिले, रोज़गार के साथ मिले। क्योंकि अगर वहाँ से लोग हटते हैं, आज के डेट में देखा जाए तो लोग वहाँ से हटाया जा रहा है तो कहाँ जा रहे हैं लोग? बेलगड़िया, जहाँ की कोई साधन नहीं है। तो हमारा परिवार या विधायक जी का यही सपना रहा कि हम झरिया के लोगों को बेलगड़िया नहीं बसने दें। वहाँ से अगर हटे तो झरिया में के लोग को झरिया में ही बसाया जाए। उनका एक सपना था कि हम केंद्र में जाकर इस आवाज़ को उठाएंगे कि झरिया के लोगों को झरिया में ही बसाया जाए, इसलिए कि झरिया में रोज़गार है, झरिया में लोग रोजी रोटी करते हैं और झरिया में कई ऐसे जगह हैं जो आज भी जो बहुत सारे खदान हैं जो बंद पड़े हैं, जहाँ कोई वहाँ यूज नहीं है, उसे भराई करके हम लोग चाहेंगे तो वहाँ लोगों को बसाया जा सकता है। ये विधायक जी का एक सपना था और वो प्रयास भी अब स्टार्ट धीरे धीरे अपने कामों को बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़े थे कि नहीं, हम बेलगड़िया किसी को जाने नहीं देंगे। और हमारी लड़ाई आप देखे भी होंगे कि RSP के लिए किस तरह से थी, क्योंकि वहाँ के लोग को काफ़ी दिक्कत होती कि उतना दूर लोग कैसे जाएंगे, कोई तरह के साधन नहीं है। और हमारी लड़ाई है कि आज वहाँ के लोगों के लिए वो ज़मीन मिला, झरिया में ही मिला। लेकिन आज की सरकार में कहीं कुछ नहीं हुआ, आज भी RSP कॉलेज नहीं, भवन नहीं तैयार हुआ, कॉलेज नहीं तैयार हुआ। इस बीच देश में आपातकाल लागू हुआ तो सूर्यदेव सिंह JP आंदोलन में शामिल युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर के करीब आ गए। चंद्रशेखर ने ही साल 1977 में पहली बार सूर्यदेव सिंह को जनता पार्टी का टिकट दिलवाया और वे झरिया से विधायक बन गए। बाद में उनके भाई बच्चा सिंह, पत्नी और पुत्र संजीव सिंह भी विधायक बने। धनबाद से NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।